हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसए ब्लॉग में। मैं हूं आपका अपना होस्ट प्रदीप सिमोल। आज की वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाली है जिनको रहती है समस्या, यानी कि जॉइंट्स पेन, हड्डियों में सूजन रहता है, कार्टिलेज की प्रॉब्लम रहती है और ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये आज की वीडियो खास होने वाली है। या हैवी वर्कआउट करते हैं, जो जिम करते हैं हैवी वर्कआउट करते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो आज की खास होने वाली है। तो आप बने रहे मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, आपको दूंगा एक ऐसी बेहतरीन सप्लीमेंट की जानकारी। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, दूंगा पूर्ण जानकारी। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में जाके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि आप तक नई वीडियो की जानकारी पहुंचती रहे। तो वह शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, आज जिस मेडिसिन की मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, उस मेडिसिन का नाम आप देख लीजिए। इस मेडिसिन का नाम है लुब्री जॉइंट, ठीक है। 500 mg, ये एक 1500 mcg में आती है और 750 mg में आती है। लुब्रिजेंट प्लस के नाम से भी आती है, लुब्रिजेंट ट्राई के नाम से भी आती है। तो आज जिसमें मेडिसिन की आपको जानकारी दूंगा, उस मेडिसिन का नाम है लुब्रिजेंट 500 mg एंड लुब्रिकेंट ओडी। तो बात करना चाहूंगा मैं इस कंपनी की, तो ये आपको ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है। मार्केट प्राइस की बात करूँ तो इसको 412 रुपए की अभी आपको ये 500 mg मार्केट में आराम से में आपको मिल जाएगी। बात करना चाहूंगा इस मेडिसिन को लेने से पहले, तो अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। डॉक्टर के बिना सलाह के इस मेडिसिन को यूज ना करें। किसी भी मेडिसिन को यूज करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही मेडिसिन का यूज करें, ठीक है। बात करना चाहूंगा इसके कंपोजिशन की, तो इसमें देख सकते हैं आप पोटेशियम क्लोराइड जो है इसमें 500 mg है, और जो ग्लूकोसामाइन है इसमें वो 296 mg है। तो बात करना चाहूंगा ग्लूकोसामाइन, जो हमारे हड्डियों के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स के बीच में जो कार्टिलेज बनती है यानी फ्लूड होता है, तो ये ग्लूकोसामाइन के कारण ही ये फ्लूड बनता है और कार्टिलेज का निर्माण होता है। तो जब हड्डियों के बीच में देख सकते हैं आप, इस पर शो भी कर रखा है, तो इस प्रकार से जब हड्डियों के बीच में जो कार्टिलेज में प्रॉब्लम आती है, कार्टिलेज घिस जाती है, फिर कार्टिलेज डैमेज हो जाती है, तो उसको रिपेयर करने के लिए इस ग्लूकोसामाइन का मुख्य यूज किया जाता है। जिनको जॉइंट्स पेन रहता है, ठीक है, हड्डियों में पेन रहता है, जॉइंट्स में पेन रहता है, या फिर हैवी वर्कआउट करते हैं बैलेंस बॉडी को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हैवी वेट करने से जॉइंट्स में वेट पड़ता है, तो उसकी वजह से क्या है, कार्टिलेज यदि मजबूत रहेंगे तो डैमेज होने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो हैवी वर्कआउट में भी इसका मुख्य योगदान रहता है। जो लोग जिम करते हैं और हैवी वर्कआउट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये दवा बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। बात करना चाहूंगा जो ये लुब्रिकेंट ग्लूकोसामाइन है, यदि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो ये बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करेगा, बट ये क्या है, उस बोन्स की क्या है, लाइफ सीमा को बढ़ा देता है, ठीक है। लाइफ सीमा को बढ़ा के आप उसको कोशिश करता है रिपेयर करने की, बट वो प्रॉब्लम को जड़ से खत्म नहीं करेगा। इतना मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये ग्लूकोसामाइन जो है ये कमी को दूर करता है और उस बोन्स की, उस जॉइंट्स की क्या है, लाइफ सीमा को बढ़ा देता है, बट ये कि जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म नहीं करेगा। जड़ से खत्म करने के लिए आपको डॉक्टर के अनुसार बताएगी ट्रीटमेंट के अनुसार चलना होगा, जैसे डॉक्टर बोलता है वैसे फॉलो करके मेडिसिन का यूज करें, तो ज्यादा अच्छा इसका आपको असर दिखेगा। बात करना चाहूंगा इसके कुछ साइड इफेक्ट की, तो साइड इफेक्ट वैसे देखने को नहीं मिलते हैं इसके, यदि देखने को मिलते हैं तो आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें। किस टाइम आपको ये मेडिसिन लेनी है, तो खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद भी इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। दिन में एक टाइम इस मेडिसिन का आप यूज करें, यदि आप वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट करने के बाद इस मेडिसिन का यूज करें, आपको अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जिन लोगों को जॉइंट्स में पेन रहता है वो लोग इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, बट अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस मेडिसिन का यूज करें, या कोई सी भी मेडिसिन हो, पहले डॉक्टर की सलाह लें उसके बाद ही मेडिसिन का यूज करें, आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। जॉइंट्स पेन में इसका बहुत अच्छा योगदान है और इसका अच्छा असर भी देखा गया है। तो जैसे डॉक्टर बोलता है उस हिसाब से इसकी डोजेस लें, और कितने दिन तक कंटिन्यू करनी है डॉक्टर आपको बताएंगे, कि जैसे 2 मंथ 3 मंथ या 1 मंथ खानी है, ठीक है। देखिए ये 30 टैबलेट की पैकिंग में आती है, और जो 500 mg आती है ये 60 टैबलेट की पैकिंग में आती है। इस प्रकार से इसकी पैकिंग है, किसी भी फार्मेसी में आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी, परंतु डॉक्टर की सलाह के अनुसार ना ही मेडिसिन को ना लें, पहले डॉक्टर की सलाह लें उसके बाद ही मेडिसिन को लें, तो आपको ज़्यादा अच्छा इसका असर देखने को मिलेगा, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से मैं आपको मेडिसिन की
और जानकारी दे सकता हूँ। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।